हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि हम लोग अगस्त मंथ के हम लोग करेंट अफेयर की सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा अगस्त मंथ के। तो 55 तक हो चुके हैं, अब मैं आपको यहाँ पर पार्ट फिफ्थ करवा रहा हूँ 56 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वाइटेड कंट्रीज टू ज्वाइन इट्स कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस कोवैक्स फैसिलिटी बाय अगस्त 31, 2020। उस संगठन का नाम बताएं जिसने देशों को अपने कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, की सुविधा 31 अगस्त 2020 तक है। तो देखो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो, ये तो सभी लोगों को पता होगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन आता है 7 अप्रैल 1948। मैं पूछूँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो क्या आंसर होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। क्लियर? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसके हेड कौन कौन है, या हेड कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, क्या आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आपका आंसर क्या है, अश्विनी भाटिया। क्लियर? अश्विनी भाटिया जो है वो MD बनी है कहाँ के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। क्लियर? चलो, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 31, 2020। न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, क्या आंसर होगा हमारा। बिल्कुल, राजीव कुमार। क्लियर? राजीव कुमार जो है वो न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट कन्फर्ड विथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020। देखो ये जो पांच नाम लिखे हैं, इनमें से चार को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है 2020 में, ठीक, और इनमें से एक को नहीं मिला है। तो वो किसे नहीं मिला है हमें वो बताना है, ठीक, किसे नहीं मिला है हमें वो बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, शशि मलिक। क्लियर? शशि मलिक को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है। अब किस किस को मिला है, तो ये चार तो हैं ही, और पांचवा कौन है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 की लिस्ट है, पांच लोगों को मिला है, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन ये लिखे हैं, ठीक, ये है नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, और ये है कौन कौन से स्पोर्ट्स वो खेलते हैं। क्लियर? तो देखो रोहित शर्मा क्रिकेट इन्हें मिला है, मरियप्पन थांगवेलु पैरा एथलेटिक्स है इन्हें मिला है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलते हैं इन्हें मिला है, विनेश फोगाट रेसलर है इन्हें मिला है, रानी रामपाल हॉकी प्लेयर है इन्हें मिला है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा था कि किसे नहीं मिला, तो यहाँ पर ऑप्शन था शशि मलिक, तो इन्हें नहीं मिला है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नितिन गडकरी जी है ना, टू मॉनिटर हाईवे प्लांटेशन, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल हरित पथ, ठीक है, हरित पथ। उस मोबाइल ऐप का हमें नाम बताना था, क्या है उस मोबाइल ऐप का नाम, हरित पथ। PM मोदी अनाउंस्ड 10 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट टू कंजर्व विच एनिमल,
प्रोजेक्ट लेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश केशव जावड़ेकर। पीएम मोदी ने किस जानवर के संरक्षण के लिए 10 साल लंबी परियोजना की घोषणा की है? तो बिल्कुल गंगेटिक डॉल्फिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम मोदी या मिनिस्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो बिल्कुल गंगेटिक डॉल्फिन के लिए पीएम मोदी ने 10 साल लंबी परियोजना की घोषणा की है। हु हेड्स द कमिटी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन? महिलाओं के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पूर्ण विचार करने के लिए केंद्र सरकारी द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जया जेटली, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स रिसेंटली। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल? केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? थावरचंद गहलोत, ऑप्शन बी। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थुम्बी महोत्सवम 2020 इज द फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? थुम्बी महोत्सवम 2020 किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लू त्यौहार है? क्या होगा सर इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। थुम्बी महोत्सवम 2020 इज द फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? केरला। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिन इंडक्टेड इन टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम ऑफ 2020? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है, बताइए किसे किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर है क्या? जैकेस कैलिस, लीसा स्थालेकर और सैयद जहीर अब्बास, मतलब तीनों को किया गया है हॉल ऑफ फेम में शामिल। क्लियर। 1, 2, 3। बिल्कुल ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, सॉरी हाँ बिल्कुल ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। जैकेस कैलिस को भी, लीसा स्थालेकर को भी और सैयद जहीर अब्बास को भी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेम द पर्सन हु हेडेड द नीति आयोग टास्क फोर्स विच रिकमेंडेड लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइजेस टू शुगर रेट? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नीति आयोग टास्क फोर्स का नेतृत्व किया जिसने गन्ने की कीमतों को चीनी दर से जोड़ने की सिफारिश की। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रमेश चंद, है ना, ऑप्शन डी। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल टॉप 100 के क्वेश्चंस, मतलब टॉप 100 के क्वेश्चंस, मतलब ये टॉप के क्वेश्चन है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या है? रमेश चंद। इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ विच बैंक टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सबर्बन रेलवे सिस्टम? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कौन सा बैंक है वो? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत सरकार ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बिल्कुल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्लियर। चलो। विच इज फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स? किसानों के ऋण योग्यता का उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ICICI बैंक। क्लियर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ICICI बैंक के MD CEO कौन है। चलो। जी सतीश रेड्डी हैज़ गॉट 2 ईयर एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन?
जी सतीश रेड्डी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार मिला है, मतलब उनका एक्सटेंशन कर दिया है ना, 2 साल उन्हें उनके बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो जी सतीश रेड्डी जी हैं, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, हमें ये बताना है। तो बिल्कुल, ये है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेम द इंडियन हु हैज़ बैग्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? नीलकांता भानु प्रकाश, बिल्कुल ऑप्शन ए, नीलकांता भानु प्रकाश। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, है ना। इस जैसे ही हमारे टॉप 100 जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होंगे, कितने हो गए, 70 हो गए, 30 क्वेश्चन और बचे हैं। शायद ये अपन नेक्स्ट क्लास में ही पूरे कर लें, नेक्स्ट वीडियो में पूरे 30 के 30, है ना। जैसे ही ये वाले जो 30 क्वेश्चन है, जैसे ही ये ख़त्म होंगे, तो आपके पास ये टॉप 100 जो करेंट अफेयर है उसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको ये पूरे 100 के 100 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, है ना। और कहीं पर भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जितने भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हूँ, उन सभी का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।